खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सैनिक, ये शब्द जैसे ही जहन में आता है मन में इज्जत और श्रद्धा का भाव आ जाता है। आए क्यों ना, सरहद पर दुश्मन से लड़ना हो तो सैनिक, देश के अंदर आपदाओं से जनता को बचाना हो तो सैनिक, पर्व त्योहार त्याग कर देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाना हो तो सैनिक। आज हमने ऐसे ही सैनिकों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये वो सैनिक हैं जो इन दिनों देश के अंदर सैलाब से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर सबकी जान बचा रहे हैं। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान है। बाढ़ की इन्हीं खबरों के बीच देवदूत की तरह आए इन जवानों की खबर देखें। आप पहले हेडलाइंस भी देख लीजिए। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। केरल में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 80 के करीब भूस्खलन की घटनाएं हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मदद की अपील की। महाराष्ट्र की सांगली, कोल्हापुर, सतारा और पुणे में बाढ़ का पानी कम हो गया है। आज 3 लोगों की मौत की खबर आई, मरने वालों की संख्या 43 हुई। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई जगह बाढ़ जैसे हालात है, भूस्खलन भी हुआ है। अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत की खबर है। ये उद्घोष महाराष्ट्र की बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए है। ये उद्घोष अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा के लिए। नन्हे हाथों का ये सैल्यूट मौत के चक्रव्यूह से लोगों को निकालने के लिए है। हम इस वक्त भारतीय सेना की एक मोटर बोट में मौजूद हैं और ये मोटर बोट इस्तेमाल की जा रही है बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ये आवाज उस भरोसे के लिए है जो सेना का नाम लेने भर से बढ़ जाता है। आपने हमारी रक्षा की तो ये आप रक्षाबंधन है। जरूर जरूर, आपने हमारी रक्षा की तो ये आप रक्षाबंधन है। जरूर जरूर। बात सरहद पर दुश्मनों को मौत के घाट उतारने की हो या फिर सैलाब में लोगों की जान बचाने की, मुसीबत जब जब आती है आखिरी मोर्चा सेना ही संभालती है। पश्चिमी महाराष्ट्र का सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिला जब बाढ़ की चपेट में आए तो आखिर में मोर्चा सुरक्षा बलों ने संभाला। नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, ये महाराष्ट्र की बाढ़ में जवानों ने साबित कर दिखाया। भारतीय सेना के साथ नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एक हफ्ते तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों ने कोल्हापुर और सांगली के 3,78,000 लोगों को बाढ़ से बचाया, जिसमें सांगली के 29,000 परिवारों के 1,58,000 लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र की बाढ़ के रेस्क्यू ऑपरेशन की। जवानों ने जब बाढ़ में फंसी इस महिला को बचाया तो डरी सहमी इस महिला की आंखों में आंसू आ गए। सेना के हौसले को सलाम करती ऐसी ही एक तस्वीर महाराष्ट्र के सांगली से सामने आई। जवानों से भरा ये ट्रक अपने अगले मिशन के लिए जैसे ही निकला, पूरा इलाका वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज उठा। कुछ हीरो ऐसे भी हैं जो खाकी पहनते हैं। ये लाइनें कांस्टेबल पृथ्वीराज जाडेजा के लिए कही जा रही हैं। गुजरात के मोरबी की यह तस्वीर 10 अगस्त की है, जब कांस्टेबल पृथ्वीराज ने 2 बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर बाढ़ से बाहर निकाला। कुछ दिनों पहले सब इंस्पेक्टर गोविंद चावड़े के काम को भी लोगों ने खूब सराहा था, जब 1.5 महीने की बच्ची को उन्होंने सिर पर टोकरी में रखकर रेस्क्यू किया था। पिछले साल अगस्त में केरल में आई बाढ़ की यह तस्वीर भी आपको याद होगी, जब एनडीआरएफ का जवान खुद पानी में बैठ गया था ताकि लोग उसकी पीठ से चलकर नाव पर बैठ सके। देश के जवान का दिल राष्ट्र सेवा के लिए धड़कता है। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, देश के इन सपूतों के पैर कभी नहीं लड़खड़ाते। ये हैं तो आज हम हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी का जय हो। इंडियन आर्मी का जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।